गौतम अडानी कैसे बना दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी, कॉरपोरेट इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला, 17.8 ट्रिलियन के सामूहिक बाजार पूंजीकरण के साथ भारत के सबसे बड़े समूह में से एक अडानी समूह भारत में दूसरा सबसे बड़ा समूह है, जो इसके संस्थापक और अध्यक्ष गौतम अडानी द्वारा चलाया जाता है, जो वर्तमान में विश्व के तीसरे सबसे अमीर आदमी व्यक्ति है। अडानी के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने दुनिया में तूफान ला दिया है। इसे भारी आरोप है और इस प्रकार के भारतीय शेयर बाजार को हिलाकर रख दिया है। बचाव पक्ष का दावा है कि ये भारत पर सुनियोजित हमला है, जबकि हिंडनबर्ग अनुसंधान एजेंसी ने अडानी समूह को अदालत ने उनसे मिलने के लिए आत्मविश्वास से चुनौती दी है। आइए थोड़ी हिंडनबर्ग के बारे में थोड़ी नॉलेज लेते हैं। हिंडनबर्ग एक ऐसी कंपनी है जो विश्व के बड़े बड़े कंपनी के बारे में 2 से 4 साल लगा के रिसर्च करता है और उसी के मुताबिक एक रिपोर्ट पब्लिश करता है। दोस्तों आइए देखते हैं हिंडनबर्ग के पूरी रिपोर्ट। हिंडनबर्ग के 2 साल की रिपोर्ट की मुताबिक 17.8 ट्रिलियन रुपये का भारतीय अडानी समूह कई दशकों के दौरान लोगों को हेरफेर और धोखाधड़ी योजना में लगे हुए हैं। अडानी समूह के संस्थापक गौतम अडानी ने मोटे तौर पर $120 बिलियन की संपत्ति अर्जित की है, जो पिछले 3 वर्षों में 7 प्रमुख सूचीबद्ध कंपनी में शेयर मूल्य में वृद्धि के अध्ययन में $100 बिलियन से अधिक के वृद्धि हुई है। और आपको बता दें, अडानी समूह की वित्तीय स्थिति के बारे में तो इस समूह की 7 प्रमुख कंपनी में उच्च मूल्यांकन के कारण मौलिक आधार पर 85% की गिरावट है और अडानी की प्रमुख कंपनी भी पर्याप्त ऋण ली है, जिसमें ऋण के लिए आपने बड़े हुए स्टॉक के शेयर को गिरवी रखकर, जिससे पूरी समूह को अनिश्चित वित्तीय स्थिति में डाल दिया है। और 7 प्रमुख सूचीबद्ध कंपनी में से 5 कंपनी ने वर्तमान अनुपात दर्ज किए हैं, जो निकट अवधि के तरलता दर्ज की बर्बाद को दर्शाता है। वीडियो कैसा लगा? प्यारा सा कमेंट, छोटा सा लाइक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द